ये मैंने ब्रेड की किनारियाँ ली हैं, तो आज हम ब्रेड की इसी किनारी से नाश्ता बनाएंगे। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, एक बार इसे जरूर बनाकर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। ये मैंने ब्रेड की किनारियाँ ली हैं। जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ तो ब्रेड की किनारी को अलग कर लेती हूँ, तो ये किनारी मेरी बच गई थी। तो आज हम ब्रेड की इसी किनारी से नाश्ता बनाएंगे। तो अब हमें इसे मिक्सी के जार में डालना है। तो मैंने एक जार लिया है, जार में हम ब्रेड की किनारियों को डाल देंगे। जार का ढक्कन लगाकर इसे हम पीस लेंगे। तो ब्रेड की किनारी को मैंने पीसकर पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। ब्रेड की किनारियों को मैंने पीसकर इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब इसमें हम मेजरिंग कप से 1/4 कप चावल का आटा डालेंगे, 1/4 कप सूजी डाल देंगे। आप बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच दही डालेंगे। सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने ब्रेड की किनारियों को पीस कर ब्रेड क्रम्स बनाया है। अगर आपके पास ब्रेड भी बची हुई तो आप उससे भी ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो मैंने पानी डालकर इस तरह का बैटर तैयार किया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि चावल का आटा और सूजी अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया है। बैटर में से हम थोड़ा पोर्शन लेंगे। जिस तरह से हम मेंदू बड़ा बनाते हैं, मैं इस तरह से इसे बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा है। अब हमने जो ब्रेड से मेंदू बड़े बनाए हैं उसे हम तेल में डालेंगे। तो कुछ बड़े मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई करते हुए बड़ों को फ्राई करना है। तो वड़ों को मैंने पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो मैंने बची हुई ब्रेड से नाश्ता तैयार कर लिया है। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, एक बार इसे जरूर बनाकर देखिए। ये नाश्ता सभी को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।